गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. वी हैव यूनिट 11 कंप्लीट हो चुकी है. अपनी यूनिट 11 स्टूडियो प्लस कंपेनियन. वी स्टार्ट यूनिट 12 पैटर्न्स अराउंड अस. अब 12 यूनिट स्टूडियो में पैटर्न्स अराउंड अस. व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न वो होता है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वह एक सीक्वेंस में जमे रहते हैं. पैटर्न टू और टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में बनाया जाता है. वी कैन मेक पैटर्न यूजिंग सेट्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट थिंग. पैटर्न बनाने के लिए टू या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या थिंग किसी चीज की जरूरत होती है. जिस तरह से देखिए यहाँ मैंने स्टार ड्रॉ करा, उसके बाद फ्लावर, फिर स्टार ड्रॉ करा, फिर फ्लावर. इट मीन्स ये एक सीक्वेंस में स्टार के बाद बाद में आफ्टर फ्लावर, फ्लावर के बाद वापस में रिपीट हो गया.
स्क्वायर, ये ट्राइंगल, ये सर्कल। अब वापस यहाँ पर कौन सा पैटर्न आ गया? स्क्वायर। तो अपन पीछे का पैटर्न देखेंगे। स्क्वायर के जस्ट बाद क्या है? ट्राइंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए सर्कल है, ट्राइंगल के बाद, ट्राइंगल के बाद सर्कल। ये अपन ने पैटर्न पीछे से देखते हैं, इसे रिपीट कर वापस सर्कल के बाद अपने पास स्क्वायर। इट्स मी वापस अपना पैटर्न वापस शुरू हो रहा है। फिर स्क्वायर के बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद सर्कल। सो इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ लेटर में देखिए ए, अल्फाबेटिकल ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसमें ए बी अपन ने छोड़ रखा है, सी डी छोड़ रखा है, मतलब एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर लिख रखा है। तो इसी तरह से यहाँ ए बी छोड़ दिया, सी लिखा, डी छोड़ दिया, ई लिखा, एफ छोड़ देंगे जी, फिर एच छोड़ देंगे आई। इस तरह से सौ कंटिन्यू अपन लिखते जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने फोर सर्कल बना रखे हैं, पर यहाँ टू सेट है। यहाँ तो अपने टू थिंग का ही, टू ऑब्जेक्ट का ही पैटर्न है, बट ये आगे के यहाँ थ्री का है और यहाँ आगे कंटिन्यू पैटर्न हो रहा है। तो टू या टू से ज़्यादा थिंग या ऑब्जेक्ट में पैटर्न होता है, तो यहाँ टू का या थ्री का, और ये बाद में आगे कंटिन्यू होते जा रहा है, तो ये थ्री से ज़्यादा। इसी तरह से देखिए यहाँ ए सी कंटिन्यू होता जा रहा है, ए बी को छोड़ दिया, सी डी को छोड़ दिया, ई एफ को छोड़ दिया, अपने जी, जी के बाद एच, एच को छोड़ दिया आई, आई के बाद जेड, जेड को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा के। इस तरह से अपने ये पैटर्न चलता जाएगा। सो ऑन चाइल्ड मैं कहेंगे जितने भी लिखते प्लस होंगे। फिफ्थ में देखिए यहाँ मैंने सर्कल बनाया है, एक सर्कल को मैंने कलर फिल कर दिया, एच को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर वापस मैंने कलर फिल कर दिया, एच को ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ अब क्या पैटर्न आएगा? वापस फिल वाला सर्कल आएगा, कलर फिल कर देंगे। इसी तरह से ये पैटर्न हो गया। तो आइडेंटिफाई पैटर्न्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। इसलिए पैटर्न अपन को ये बताता है कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आने वाला है। तो पिछले पैटर्न को या पिछले ये दिया हुआ है अपन को टू और थ्री का सेट, इनको देख के अपन बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा, नेक्स्ट कम्स क्या आने वाला है। सो पैटर्न अपनी इसमें हेल्प करता है। वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग सेट्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट थिंग। अपन टू और टू से ज़्यादा डिफरेंट थिंग में सेट बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्लाउड, मून, सन, इन तीन का भी बना सकते हो पैटर्न में। किसी भी चीज़ से बन सकता है पैटर्न। आप अपने शूज़ रैक में देखिए, अलमीरा में देखिए, इनमें भी अपन अगर कपड़े सेट करते हैं अलमीरा में, तो अपन ऐसे सेट करते हैं जैसे बच्चों की जीन्स अलग, टी शर्ट अलग, फिर जीन्स टी शर्ट की रो फुल हो जाती है, वापस उसके बाद अपने जीन्स का सेट हो जाता है। तो ये एक पैटर्न चलता रहता है अपने घर में। मम्मी के किचन में देखिए कंटेनर में, इसमें देखिए आप, अगर मम्मी ने रेड कलर के डिब्बे हैं तो वह टू अपन ने रेड कलर के डिब्बे रखे, फिर बाद में उसमें अपन ने फिर दूसरा सेट रखा, तो वापस पैटर्न या सीक्वेंस दिखाने के लिए अपन टू रेड वाले डिब्बे वापस रख सकते हैं कैप के। इस तरह से अपन पैटर्न को करते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 71, ओपन द पेज नंबर 71 ऑफ यूनिट 12, पैटर्न अराउंड अस। पैप, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to Z टू कंप्लीट द पिक्चर। यहाँ ए बी सी डी लिखी हुई है ए टू जेड तक, सो आपको ए बी सी डी कंटिन्यू चल के इसको जेड तक ड्रॉ करना है, लाइन को, डॉट्स को ज्वाइन करना है। डॉट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी के, इनके डॉट्स दिए हुए हैं, इनको ए बी सी डी काउंट करते हुए ऐसे बी तक पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
तो ये दो डॉट्स मिल जाएंगे, टू डॉट्स मिल गए। फिर बी से सी पे जाएंगे, इस डॉट्स को मिलाएंगे, फिर सी से डी वाले डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से अपन ये जेड तक डॉट्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ देखें, इसके बाद अपन ने डॉट्स ज्वाइन करें तो कौन सी पिक्चर बनी अपने, विच एनिमल डिड यू गेट डॉट्स ज्वाइन करने के बाद कौन सी पिक्चर बनी है, ये देखिए, विच एनिमल डिड यू गेट, यस जेब्रा। द कलर्स ब्लैक एंड वाइट आर रिपीट इन द पिक्चर। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रिप दी हुई है जेब्रा में, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक फिर वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। तो ये स्ट्रिप दी हुई है अपन को, एक सीक्वेंस में है, पहले वाइट ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट, एक सीक्वेंस में ये टू थिंग का पैटर्न बन रहा है। तो दिस स्ट्रिप्स ऑन द जेब्रा फ्रॉम ए पैटर्न। तो जेब्रा पे ये स्ट्रिप है पैटर्न से ली गई हुई है। तो पैटर्न इसमें आपने बताया गया है जेब्रा के, तो इसमें आप राइट करिए, विच एनिमल डिड यू गेट, इसी तरह से जेब्रा क्रॉसिंग पे आपने देखा होगा रोड पे, कहीं भी आप गाड़ी में गए होंगे मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर बस से गए होंगे, तो आपने रोड पे देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होगा, वह भी एक पैटर्न का ही मेथड है, वो पैटर्न में ही बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है, अपने पहले ब्लैक डॉट होता है, फिर वाइट स्ट्रिप पे ब्लैक डॉट, फिर वाइट स्ट्रिप पे ब्लैक डॉट, वाइट स्ट्रिप ब्लैक डॉट, वाइट स्ट्रिप ब्लैक डॉट, वाइट स्ट्रिप, इस तरह से रोड पे बना हुआ रहता है। तो यह एक पैटर्न का भी तरीका है, यहाँ ब्लैक रोड है फिर वाइट स्ट्रिप, फिर ब्लैक रोड आ गया, फिर वाइट स्ट्रिप, फिर ब्लैक रोड, वाइट स्ट्रिप, इस तरह से ये भी अपने पैटर्न ही है। द जेब्रा क्रॉसिंग दैट वी सी ऑन द रोड इज आल्सो ए पैटर्न। देखिए आपके इसमें बुक्स में ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसमें स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैक रोड वाइट, ब्लैक रोड वाइट, ये दिया हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग का। तो जेब्रा क्रॉसिंग डेट वी सी ऑन द रोड इज आल्सो ए पैटर्न। जेब्रा क्रॉसिंग जो रोड पे बना हुआ होता है वो भी पैटर्न में ही बना हुआ है। अब ये पिक्चर देखिए, लुक एट द फ्लावर पॉट्स अरेंज इन ए शेप। यहाँ पॉट सेलर है, इसने फ्लावर पॉट को अरेंज करा हुआ है। तो ये अरेंज करा हुआ है क्या, ये पैटर्न में है, ये इज इट इन द पैटर्न, यस। देखिए यहां ब्राउन येलो, ब्राउन येलो, ब्राउन येलो, ब्राउन येलो, पहले ब्राउन फिर येलो फिर ब्राउन येलो, मतलब इसमें ब्राउन फ्लावर पॉट और येलो फ्लावर पॉट का पैटर्न दिया हुआ है। तो दिस इज पैटर्न, ये अरेंज किया हुआ है इन द पैटर्न में। इसी तरह से आप यहाँ देखिए अम्ब्रेला को देखिए, यहाँ रेड अम्ब्रेला, ग्रीन अम्ब्रेला, फिर रेड, फिर ग्रीन, एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें कलर का, रेड ग्रीन अम्ब्रेला में, रेड ग्रीन एक सीक्वेंस बना है। तो ये भी पैटर्न में अरेंज हो रहा है, पहले रेड अम्ब्रेला, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, रेड, इस तरह से सो ऑन। द अम्ब्रेलाज आर अरेंज इन द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ कलर्स, रेड ग्रीन एंड सो ऑन। एक्टिविटी 12.2, लुक अराउंड योर स्कूल एंड अदर प्लेसेस लाइक पार्क्स, शॉप्स टू फाइंड थिंग अरेंज इन ए पैटर्न। ये एक्टिविटी
राइट करने की नहीं है, प्रैक्टिकल की। आपने कहीं भी पैटर्न देखे हो आपके आसपास या स्कूल में, घर पे, कोई शॉप पे, तो उसको नोट करिए आप अपने। इसी तरह से एक्टिविटी 12.3 देखिए। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो सर्कल आर द पैटर्न यू सी इट। ये पिक्चर दी हुई है यहाँ आपको, इसमें है जहाँ आपको पैटर्न दिखाई दे उस पर आपको सर्कल करना है। जहाँ जहाँ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पर आपको सर्कल करना है। सर्कल आर द पैटर्न्स, जहाँ जहाँ पैटर्न है यू सी इन इट, आपने देखा वहाँ सर्कल करना है। तो देखिए फर्स्ट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, यहाँ ये पैटर्न में है तो इसको सर्कल करिए। ब्राउन येलो ब्राउन येलो ब्राउन येलो, रोड पे ये बने हुए हैं, इनमें भी सर्कल करना है, ये भी पैटर्न में है। और यहाँ जो ये सेलर है, यहाँ इसने कुछ मग्स रखे हुए हैं, तो इसमें देखिए पैटर्न में इसने अरेंज कर रखा है, बट साइड के जो मग्स हैं वो ही पैटर्न में है, मिडिल में जो मग्स हैं वो पैटर्न में अरेंज नहीं है। तो अपन को ओनली साइड के मग्स को ही सर्कल करना है। यहाँ ऑरेंज सॉरी रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इसका पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको ही सर्कल करना है। और ये मिडिल में दिए हुए हैं, इस पर नहीं करना, ये पैटर्न में नहीं है, ये सेम कलर में है। यहाँ एक्टिविटी 12.4. This dress has a pattern on it. Draw shapes to complete the pattern. Activity 12.4. This dress has a pattern. ये dress अपने pattern में है. Draw shapes to complete the pattern. तो half ही pattern दिए हुए हैं यहाँ. यहाँ अपन को pattern करना है, तो देखिए circle आ रहा है, फिर triangle, circle, triangle. सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, इस तरह से आपको इनमें ड्रॉ करना है। सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, अब यहाँ क्या पैटर्न आएगा, सर्कल फिर ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, और इनमें कलर फिल करना है। ट्रायंगल में आपको ग्रीन कलर करना है और सर्कल में येलो कलर करना है। ए पैटर्न कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। पैटर्न कलर्स शेप वर्ड लेटर नंबर और नंबर इवन नंबर किसी भी चीज में पैटर्न हो सकता है। तो आज का वर्क है आपके लिए, टुडे वर्क, डू एक्टिविटी। Well, one, three, and
ओके।